जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली, ये वीडियो उन बच्चों के लिए, बहुत मैसेज कर रहे हैं कि सर हम कैसे तैयारी करें, सर हम कैसे तैयारी करें। अब आपको पता है 180 दिन का समय आपके पास में बचा है। 180 दिन यानी बहुत ही ज़्यादा समय नहीं, बहुत ही कम समय, ठीक है, क्योंकि SSGD की जिस लेवल पे मेरिट रहती है उस हिसाब से ये बहुत ही कम समय। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि जो मैंने तैयारी की थी, मैं पहले बता चुका हूँ 35 डेज में की थी, तो आपके लिए 180 दिन बहुत है, ठीक है। 35 डेज में मेरा 83 स्कोर था, उस समय 77 मेरिट रही थी, तो आपके लिए तो बहुत टाइम है 180 दिन। लेकिन आपकी मानसिकता इस हिसाब से होनी चाहिए कि आपके लिए सिर्फ 90 दिन का समय, तभी आप पेपर हिट कर पाओगे, नहीं तो आप पेपर हिट नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, आप पेपर हिट तभी कर पाओगे जब आपको लगेगा कि आपके लिए सिर्फ 90 दिन का ही समय। तो आपको तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में साथ साथ कौन कौन सी बुक पढ़नी वो बताऊँ। सबसे पहले आपको तैयारी करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि आपके पास में सिर्फ 90 डेज का समय है, वो 90 दिन के अंदर आपको तैयारी करनी है। और आपको पेपर, जब मॉडल पेपर दो, तो उसमें आपका हमेशा 80 प्लस स्कोर होना चाहिए, ठीक है, 80 प्लस आपका स्कोर होना ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो, तो अगर कोई कोचिंग कर रहे हो या ऑनलाइन कोई भी कोचिंग कर रहे हो, तो अभी समय है, अभी समय है, अभी आप कर सकते हो। अभी 3 महीने, लास्ट के 3 महीने नहीं करना, अभी समय है, अभी कर सकते हो अच्छे से। कुछ भी आप तैयारी करते हो अभी कर सकते हो। अभी करने का फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? एक तो जो बच्चे नए जुड़े हैं, जिनको इनका सिलेबस भी नहीं पता, उनको कोचिंग करने से काफ़ी फ़ायदा होगा, उनको नॉलेज हो जाएगा क्या इसमें आते हैं क्या नहीं आते हैं, तो वो इसको पता हो जाएगा। उसके बाद भी फिर उसके पास में टाइम भी रहेगा सेल्फ स्टडी के लिए, कम से कम 3 महीना, 2 से 3 महीना उसके पास में सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए। क्योंकि जितना वो बाहर कोचिंग से पढ़ता है, अब जैसे पूरे दिन पढ़ के आएगा, उसको रिफ्रेश करने का इतना मौका नहीं मिलता है, क्योंकि शाम को फिर वो थक जाएगा, फिर वो थोड़ा सा पढ़ाई करेगा, सो जाएगा, फिर अगले दिन फिर कोचिंग। तो कोचिंग आपको एक चीज़ प्रोवाइड करवाती है कि सीधा मटेरियल, कि भाई इस लेवल का इसका एग्ज़ाम होता है, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी उतनी नहीं कर पाते जितनी चाहिए, तो ये नहीं, अभी करना ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात आपको कि कौन कौन सी आपके पास में बुक होनी चाहिए, ठीक है। तैयारी करने का तरीका मैं बता दिया, आप चाहे दिन में अभी प्रेजेंट टाइम में 6 घंटे पढ़ो तो भी अच्छा है, और आप ज़्यादा टाइम पढ़ो तो भी अच्छा है। मेरे ख्याल से तो आपको अगर नौकरी लगना है तो फिर पढ़ो ही 6, 7, 8, 10 घंटे नहीं, लेकिन पढ़ो तब तक जब तक आपका दिमाग धीरे धीरे उस रूटीन में आ जाए, और धीरे 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 आपको क्यूरियोसिटी पैदा करना है, पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा करना है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि पेज पलटना, पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, कैसे भी करके उसको रोचक बनाना पड़ेगा, आपको मज़ा आ जाना चाहिए उसको पढ़ के, तभी आप नंबर ला पाओगे। और उसको पढ़ने का भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रोचक बनेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में बुक कौन कौन सी होनी चाहिए, इसके बारे में मैं बता दूं, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो सबसे ज़्यादा मैं जोर देता हूं बुक पे, वो है SSGD के जितने भी ओल्ड पेपर हैं उसकी जो बुक है वो आप ले लीजिए। अब आपके पास में अगर हो सके तो आपके पास मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो आने वाले 5-7 दिन के अंदर अंदर मैं आपको एक ओल्ड पेपर की पूरी बुक दूंगा, जिसमें SSGD के टोटल ओल्ड पेपर है, ठीक है। और साथ में मॉडल पेपर भी, इस बार कैसा पेपर होने वाला है, उसकी भी आपको महीने के एंड तक आपको बुक मिल जाएगी। तो जितने बच्चे नहीं मिल पा रही वो वहाँ से परचेज कर लेना, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। उसके अलावा ओल्ड पेपरों पे और मॉडल पेपर पे आप एक बार ओल्ड पेपर जरूर ले लें, मॉडल पेपर भले ही अभी लो या ना हो, ओल्ड पेपर की बुक जरूर ले लें, ठीक है। ओल्ड पेपर की पहले, सबसे पहले आपको ओल्ड पेपर के देखना कि किस प्रकार से इसका पेपर आता है, वो आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर देगा। उसके बाद मैं कई बार जोर दे चुका हूँ कि GK के लिए आप लूसेंट की बुक ले लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक आती है। दूसरी, इसके अलावा एक आपको वस्तुनिष्ठ बुक भी होनी चाहिए GK की, और अगर लेस को तो एक छोटी ट्रिक की बुक भी होनी चाहिए GK की, जिसमें सीधा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि SSGD का जो लेवल होता है इसमें सीधे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ऊपर ऊपर के अंदर से मटेरियल कम आता है, मतलब हार्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, सीधे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो GK की ये 2-3 बुक आप GK की परचेज कर सकते हो। उसके अलावा मैथ के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ RK, वो सबसे पहले मैं आपको अगर फर्स्ट प्रायरिटी मैथ से पूछो तो मैं बोलता हूँ राकेश यादव की मैथ की बुक लीजिए, दूसरी रामनिवास माथुरिया की ले सकते हो। इन दोनों बुक से आप तैयारी करिए SSGD के लिए, बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे हिंदी के लिए, हिंदी की आप GK की हो गई, मैं तो रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक आती है, और रीजनिंग की और भी एक्स्ट्रा आप 1-2 बुक लेके रखिए, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही, उसमें कोई फॉर्मूला चलता नहीं, वो मतलब बहुत लॉजिक वाली है, तो जितने आप लॉजिक मिलाओगे उतना आपका दिमाग शार्प होगा, तो लॉजिक वाली है। किरण पब्लिकेशन की भी आती है रीजनिंग की, और भी 1-2 पब्लिकेशन की आती है रीजनिंग की, वो भी ले लीजिए। रीजनिंग में कोई फिक्स पब्लिकेशन में आपको नहीं बता रहा, लेकिन हाँ उसकी अच्छी आती है। उसके अलावा अगर बात करें हम हिंदी की,
तो हिंदी की मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, हिंदी की बहुत सारी ग्रामर बुक आती है, ठीक है, और अच्छी अच्छी क्लासों वाली बुक भी आती है, 9th-10th क्लास में भी अच्छी बुक आती है ग्रामर की, तो वो भी आप काम में ले सकते हो, उनसे भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उनमें सीधी चीज़ें दी होती थी, सिंपल तरीका उनमें बताया होता है, तो उनसे भी आप जैसे ग्रामर हिंदी की पढ़ सकते हो। तो वो 9th-10th इनकी क्लासों में भी जो ग्रामर की बुक है वो भी बहुत शानदार बुक आती है, तो उनसे भी आप तैयारी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बुक होती है। इसके अलावा ग्रामर की और भी बहुत सारी बुक आती है, छोटी बुक लेना ग्रामर की, ठीक है, उसमें थ्योरी याद करने को आपको मौका मिल जाएगा, एक बार आप पढ़ने लगोगे तो आपको अच्छा लगने लग जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर की बुक भी आप जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर की छोटी बुक खरीदिए, क्योंकि इस बार कंप्यूटर भी ऐड किया जाएगा SSGT में, तो वो भी आप तैयारी करना ही करना। तो ये कुछ बुक है जो आपको परचेज करनी करनी है। इसके अलावा मेरा ज़्यादातर फोकस रहेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, किस लिए आप ओल्ड पेपर की बुक ज़रूर परचेज़ कर ले। अगर नहीं है तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि आपको एक महीने के अंदर अंदर मैं प्रोवाइड करूँगा कि कौन सी बुक ले, वो आप ले लीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।